भगवान अपनी हर लीला से हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस दुनिया में अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है क्या, क्या है, कैसा प्रेम, निस्वार्थ, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि स्वार्थ का प्रेम, स्वार्थ की भक्ति, स्वार्थ की मित्रता, ये सब तब तक ही रहते हैं जब तक काम नहीं निकल जाता। काम निकलने के बाद तो ठाकुर जी अपनी जगह और हम अपनी जगह। जब तक काम है तभी तक भगवान भगवान भगवान, काम नहीं तो कोई नहीं। ये क्या है? स्वार्थ की भक्ति। ये नहीं करना है, निस्वार्थ भक्ति करनी है। जो सभी भगवान के जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ प्रेम क्या है कि भगवान ने आपका काम नहीं भी किया तो ये नहीं कहना है कि भगवान ने काम नहीं किया तो मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया। नहीं, उन पर भरोसा रखना है। नहीं किया तो कोई कारण होगा, वो हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने भविष्य देखा है, उनको पता है किसके लिए क्या सही है और किसके लिए क्या गलत। तो इसीलिए प्रेम करना है तो निस्वार्थ प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम का अर्थ केवल ये नहीं कि लड़के लड़के के बीच, लड़का लड़की के बीच का प्रेम हो, पति पत्नी के नहीं। प्रेम यानी हर रिश्ते में प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम हो, माँ बाप और संतान के बीच का प्रेम हो, भाई बहन के बीच का प्रेम हो, भाई भाई के बीच का प्रेम हो, मित्रों के बीच का प्रेम हो, कहीं भी रिश्ता हो वहां निस्वार्थ प्रेम। भगवान अपनी हर लीला में हमें यही समझाते हैं कि प्रेम सबसे ऊपर है।